हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, अजय अलोक डिस्ट्रॉय सुप्रिया एंड अलका लांबा, इलेक्शन रिजल्ट्स पप्पू लेटेस्ट अपडेट। भैया चलो देखते हैं, मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे केंद्र से लोगों को ला करके चुनाव लड़वाना, अब एग्जिट पोल की बात कर उसी के नतीजों पर बात कर सकते हैं। फिलहाल तो वो दिख रहा है एमपी में तो कामयाब हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि एमपी में कामयाब होगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं एमपी के नंबर से, मैं मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत सकती है। मुझे लगता है हम जीतेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। आपने अपने नेतृत्व को जहां जहां घर बिठाया और घर बिठाइए, क्योंकि उससे हमारा बहुत फायदा होता है। जनता को समझ में आ जाता है कि डेढ़ लोग सरकार और डेढ़ लोग भारतीय जनता पार्टी चला रहे। तू है कौन रे? सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। He was right. और ये हमारे लिए गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। Nice. कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उनके चेहरे पे चुनाव, उनके नेतृत्व में चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हमें कुछ गलत नहीं लगता है। चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनके पास चेहरा ही नहीं है। और अगर उनका जो सबसे बेहतर चेहरा है वो चुनावी प्रक्रिया में जुड़ जाता है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाता है। कि अगर 2018 में 5 राज्यों में डबल इंजन की मोदी जी की सरकार नहीं बैठेगी, उस तरह लेकर सर मंडवा दूंगा। 2018 में भाजपा का 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में सुपड़ा साफ हुआ, उस तरह आज भी किसी का मुंडन करने का इंतजार कर रहा है। दोबारा चुनौती देती हूँ, सबसे पहले सरकार, पहली सरकार कहीं बनते हुए देखिएगी, 90 सीटें हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पे 119 सीटों के साथ तेलंगाना में सरकार बना जाएंगे 12 बजे तक। तीसरा मध्य प्रदेश, 230 सीटें हैं, समय लग सकता है रिजल्ट आने में। तीसरी सरकार लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश और चौथी राजस्थान में। बहुमत जहां तक लग रहा है भाजपा को नहीं मिल रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक तरफ प्रमोद कृष्णम है जो कह रहे हैं साहब ये श्राप था, सनातन का श्राप जो कांग्रेस को ले डूबा, और दूसरी तरफ आप सुन रही थी अभी संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं साहब कांग्रेस के जो नेताओं की कतार है वो प्रभावहीन हो गई है वक्त के साथ, खुद को बदल नहीं पा रही कांग्रेस, क्या अलका लांबा, और इसी वजह से 4 में से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार। देखिए रोमाना जी, कोई क्या सोचता है उससे ज्यादा मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मेरी पार्टी क्या सोच रही है इस समय। मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ और हम लोगों को मालूम है ये नतीजे हमारे खुद के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। हमें विश्वास नहीं हो गए, हम अभी तक हार स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमें है कि अगले 1 घंटे में चीजें बदल सकती हैं। हम अपनी जमीन पे विधायकों के संपर्क में छत्तीसगढ़ में खास तौर से अभी भी हैं। हमारे अपने जो एनालिसिस है उसमें छत्तीसगढ़ के नंबर में हम कहीं आगे हैं। अभी जो डेटा आ रहा है मेरे ख्याल से 4 राउंड्स के बाद का आप लोग के पास है या 5 का है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रीजनल डेटा भी आ रहा है उसमें हम छत्तीसगढ़ में काफी आगे हैं। 12 बजे तक मुझे लगता है राजस्थान में भी हमारी जरूर इन नंबर से कुछ बढ़त होगी। मध्य प्रदेश बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसमें मैं कोई संशय नहीं है। चुनाव बहुत अलग लग रहा था, लोग बहुत त्रस्त लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव उस डायरेक्शन में नहीं गया जहां हम सोच रहे थे। तमिलनाडु आपका कुछ है नहीं वहां पर, तो आप तो दक्षिण भारत मुक्त हो गए, और एंटी वोट अगर तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है तो मोदी जी की गारंटियों पर मोहर दक्षिण भारत ने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि दक्षिण भारत में ये जो सांप्रदायिकता का सनातन का कार्ड खेल रहे हैं ना शुरू। देश को एक सवाल है मेरा, क्या ये बात कांग्रेस को परेशान नहीं कर रही है कि कांग्रेस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी बनकर रह गई। उत्तर भारत के राज्यों में आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कांग्रेस का सुपड़ा सा बचा क्या है आपके पास, एक छोटा सा बहुत खूबसूरत राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य, वहाँ जरूर आपके पास सत्ता है, लेकिन बाकी पूरा सुपड़ा साफ वो भी जाएंगे। लद्दाख के स्थानीय
लद्दाख जम्मू कश्मीर के चुनाव भाजपा मतलब काउंसिल वाले आप जीत को यहाँ पर गिना रही है। मैं राज्यों की बात कर रही थी, प्रॉपर स्टेट्स की बात कर रही थी मैं। मैम नहीं हो रहा प्रॉपर स्टेट का चुनाव ही तो नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर में। अच्छा। और वहाँ की जो है ट्रैप एक वो दिखा दिया इन्होंने स्थानीय चुनावों में, है ना, हिम्मत नहीं दिखा रही भाजपा कि आप चुनाव करवाइए, है ना। उसके बाद मुझे आप ही के पार्टी के नेता सिद्धू जी, उन्हीं की बात याद आ जाती है कि अगर मेरी चाची के मूछे होती तो वो चाचा होते। मतलब अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाते तो हमारी वहाँ पर पार्टी होती, तुम्हारी होती जरूर होगी तुम्हारी वहाँ तो। 24 की बात क्या करनी है, जब दुबई में रहने वाला भारतीय कह रहा है 24 में 400 पार, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्या करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा इन लोगों ने। देखिए इस चुनाव में दो ही चीज चली है, अगर आप तीनों राज्यों को देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, एक ही फैक्टर कॉमन रहा है कि हमने नारा भी दिया था कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी, तेलंगाना के दिल में मोदी। लोगों के दिल में मोदी थे और इसीलिए मोदी पे विश्वास था। एक जो नेता की क्रेडिबिलिटी होती है उस पर विश्वसनीयता होती है। वादे तो सब लोग करते हैं, सब राजनीतिक दल कहता है ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो मोदी की गारंटी थी, वो भरोसा था मोदी पे जो लोगों ने दिखाया है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मोदी की जिस कुशलता के साथ चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी जिस ढंग की, जो उन्होंने कहा ना, जहां से होप खत्म होती है और वो शुरू करते हैं, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। आप बढ़िया कविता बोल रहे हैं सुधांशु जी, कविता राहुल गांधी जी के लिए भी सुना दीजिए और अखिलेश यादव जी के लिए भी। घनश्याम जी सुन रहे हैं वो ध्यान से आज। राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना गीत था ना, टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, क्या दिल की तमन्ना थी क्या सामने आया है। और अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगा, तो शायद वो जो पुराना गीत था, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी यानी गठबंधन मुझे तेरा एतबार ना रहा। बड़ा मजा आता राहुल गांधी का गाना और अखिलेश के लिए जो गाना था, क्या कमाल का गाया। और मोदी जी का तो बहुत अच्छा था भैया, वो तो सुन के जहां मोदी जी का नाम आता है ना, उसी टाइम दिल में रिस्पेक्ट और अपनी कंट्री को आगे बढ़ने का वो जो ख्वाब होते हैं ना, वो सामने आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि चलिए हम तो अपने लीडर की गारंटी की वजह से जीत रहे हैं, मगर अगर तुम अपना लीडर लेके आते हो तो तुम्हारा डूबना और तेज हो जाता है। ये उसने बोला कि अगर तुम अपना लीडर लेके आओगे तुम्हारा डूबना जो है बहुत तेज से डूब जाएगा। फिर जब उसने बोला कि भाई अगर जम्मू कश्मीर स्टेट होता तो उसमें जीत जाते, तो उसने अच्छा कहा था कि अगर चाची की मूछे होती तो वो चाचा बन जाते। इनकी ऐसी ऐसी बेइज्जतियां हो रही हैं, अच्छी बेइज्जती की है। और उनका ऐसा दिमाग है, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि तुम्हारी बेइज्जती हो। और एक और बोला, जो बोले थे कि अब तुम साउथ में ही हैं, तो उन्होंने आप लोग जो वो साउथ की पार्टी बन के रह गए हो, अदर देन हिमाचल को भी हराना बहुत जरूरी है कि इसमें बीजेपी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए कि वहाँ बीजेपी है, जिससे पूरा जो है धीरे धीरे बीजेपी कवर करते करते इन सबको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ पहले कांग्रेस सारी होती थी, अब देख लो कैसे हटती जा रही है हर जगह से। बिल्कुल, तो भैया मिशन, मगर बीच में जो बचा हुआ है पंजाब बचा हुआ है, वो तो पंजाब वाले समझदार बनेंगे तो होगा ना। अब जहाँ पे समझदार लोग ही नहीं, तो वहाँ कुछ रीजन बचे हुए हैं जहाँ पे बीजेपी को वो फ्री की रेवड़ी में फंसे पड़े थे। बिल्कुल, अब देखते हैं उनकी रेवड़ी का क्या हश्र होता है, वो अकल आई है कि नहीं आई है। पर मजेदार था, कमाल का था, मजा ही आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।